हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज को। इस कहानी में हमें क्यूट बेबी बॉय को भी दिखाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करें। कहानी के शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड जिंगजिंग को देखते हैं। इसने एक आदमी के साथ नाइट स्पेंड किया होता है और तभी जिंगजिंग की आँखें खुल जाती है। ये सब उसका नाइटमेयर होता है जिसमें वो पास्ट की बातों को याद कर रही थी। और फिर उसका बेटा शाओ भाई, जो कि बहुत ही क्यूट होता है, कहता है मम्मी आपको क्या हुआ? जिंगजिंग कहती है कुछ नहीं, मैंने बस नाइटमेयर देखा था। चलो आपके स्कूल का टाइम हो गया तो मैं आपको तैयार करती हूँ। इधर दूसरी तरफ कहानी के मेल लीड को देखते हैं, जो कि गु ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर गुसिन होता है। ये शाओ भाई के स्कूल के बाहर होता है अपनी कार में। सेक्रेटरी कहता है आप हर दिन यहाँ आकर यंग मास्टर को देख कर चले जाते हैं, क्या आप अपने बेटे से मिलेंगे नहीं? गुसिन कहता है अभी सही वक्त नहीं आया। इधर स्कूल में शाओ भाई को दो लड़के परेशान कर रहे होते हैं, उसे वाइल्ड चाइल्ड कह रहे होते हैं। वो लड़के शाओ के कहते हैं तुम्हारे तो डैड ही नहीं है। फिर ये सुनकर शाओ भाई को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उस लड़के को एक पंच मार भी देता है। इधर जिंगजिंग ऑफिस में होती है, उसे स्कूल से कॉल आता है। जिंगजिंग कहती है मैं अभी आ रही हूँ। इधर जिंगजिंग बस में होती है, अभी उसकी नजर टीवी स्क्रीन पे जाती है। यहाँ गु ग्रुप के प्रेसिडेंट गुसिन से उसके सीक्रेट चाइल्ड के बारे में सवाल किया जा रहा था और उसे देखकर जिंगजिंग हैरान होती है। यहाँ जिंगजिंग सोच रही होती है इस महीने में तीसरी बार शाओ भाई ने स्कूल में लड़ाई की है। उसने कई बार अपने डैड का नाम उससे पूछा भी है और उसने कभी नहीं बताया। और अब जिंगजिंग सोच रही है कि शाओ भाई को उसके डैड के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ वो पुराने वक्त को याद कर रही होती है। पता चलता है कि उसने जिस आदमी के साथ नाइट स्पेंड किया था वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गु है। इधर मिस्टर गु घर पे होता है, फिर उसके मॉम और ग्रैंडमा आती है और कहती है जब तुम्हें पता चल चुका है तुम्हारा बेटा कहाँ है तो तुम उसे घर लेकर क्यों नहीं आए हो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इधर जिंगजिंग स्कूल पहुँचती है, यहाँ टीचर उसे बताती है आए थे शाओ भाई के बाकी बच्चों से लड़ाई होती रहती है इसलिए अब वो शाओ भाई को स्कूल में नहीं रख पाएंगे। जिंगजिंग उन्हें सॉरी कहती है और शाओ भाई को हाथ पकड़ के घर लेकर आती है। हाँ शाओ भाई भी थोड़ा उदास दिख रहा होता है। जिंगजिंग कहती है क्या हुआ आपको? शाओ भाई कहता है मॉम आज फिर टीचर ने आपको मेरी वजह से डांटा। जिंगजिंग कहती है नहीं, ले आप बताओ आपने लड़ाई क्यों की? शाओ भाई कहता है वो लोग मुझे चिढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि मेरे डैड नहीं है। जिंगजिंग कहती है आपने झगड़ा किया तो आपने सॉरी कहा होगा? शाओ भाई कहता है नहीं मैं उन लोगों को सॉरी नहीं कहूँगा। जिंगजिंग कहती है अपनी मम्मी की बात नहीं मानोगे तो मैं जा रही हूँ। शाओ भाई कहता है नहीं मॉम मैं उनसे माफी मांग लूंगा और उसे हग कर लेता है। कहता है मॉम मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। यहाँ जिंगजिंग मन में सोच रही होती है वो अब तक शाओ भाई को एक अच्छी लाइफ और कंप्लीट फैमिली नहीं दे पाई है। इधर मिस्टर गु की मॉम कहती है तुम्हें अपने बेटे के साथ उसके मॉम को भी लेकर आना होगा। गु कहता है मैं समझ गया। इधर स्कूल में देखते हैं बच्चा जिसने शाओ भाई से लड़ाई की थी अपने मॉम डैड को लेकर आया होता है। इधर टीचर के ऑफिस में कहता है कि शाओ भाई ने उस पर पहले हाथ उठाया था। हाँ शाओ भाई अपने मॉम की वजह से कुछ नहीं कहता। जिंगजिंग शाओ भाई की तरफ से इन लोगों से माफी मांगती है। इधर देखते हैं मिस्टर गु स्कूल के बाहर पहुँच चुका होता है। यहाँ ग्रैंड माँ मदर को कहती है अपने बच्चे के साथ उसकी माँ को लाने को क्यों कहा? उस लड़की ने गु का फायदा उठाया, उसके साथ नाइट स्पेंड की, मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मदर कहती है हमारा ग्रैंड चाइल्ड अभी बहुत छोटा है, वो अपनी माँ के बिना कैसे रह पाएगा। इधर ये लेडी अपने पैसों का रौब दिखा रही होती है, जिंगजिंग की माफी को एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ उसका बेटा शाओ भाई को कहता है वो घुटनों पर बैठ के उससे माफी मांगे। ये सुनकर तो जिंगजिंग हैरान थी। इधर मदर शाओ भाई की तस्वीर ग्रैंडमा को दिखा दी है, कहती है आपका ग्रैंड चाइल्ड बहुत ही क्यूट है। ग्रैंडमा कहती है तुम कितना भी फ्लैटर करो मैं उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को ही सिर्फ एक्सेप्ट करूंगी, वो हमारे गु फैमिली का अगला वारिस होगा। इधर शाओ भाई कहता है मैं तुम लोगों से माफी नहीं मांगूंगा। अब यहाँ जिंगजिंग भी कहती है बिना गलती के मैंने अपने बेटे को तुम लोगों से माफी मांगने को कहा, अब लगता है कि तुम लोग माफी डिजर्व ही नहीं करते। यहाँ बाहर से मिस्टर गु ये सब सुन रहा होता है और अब यहाँ ये लेडी जिंगजिंग को कहती है मेरा हस्बैंड क्रू ग्रुप में मैनेजर है, अगर आज तुमने और तुम्हारे बेटे ने माफी नहीं मांगी सिटी के किसी भी स्कूल में हम तुम्हारे बेटे का एडमिशन नहीं होने देंगे।
शाओ भाई कहते हैं, मॉम क्या मैं इनसे माफी मांगू? सिंह सिंह कहती है, बेटा बिल्कुल नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। और अब वो शाओ भाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है तो ये लेडी सिंह सिंह को रोक देती है। सिंह सिंह वह हाथ उठाने वाली होती है, तभी शाओ भाई उसके हाथों पे वाइट कर लेता है। तभी लेडी गुस्से में शाओ भाई को किक करने वाली होती है। सिंह सिंह शाओ भाई को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और तभी यहाँ पर मिस्टर गो आता है, जो कि इन्हें वार्न करता है, अगर मेरे बेटे को खरोच भी आई तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हाँ मिस्टर गो को देखकर तो सब हैरान थे। वो लेडी कहती है, मिस्टर गो ये वाइल्ड चाइल्ड आपका बेटा कैसे हो सकता है? सिंह सिंह तो बस यहाँ गो को देख रही होती है। तभी इस लेडी का हस्बैंड नई बेटे को धक्का दे देता है। लेडी कहती है, तुम क्या कर रहे हो? अब वो अपनी वाइफ पे हाथ ही उठाता है, कहता है मिस्टर गो से माफी मांगो। और वो मिस्टर गो से अपने वाइफ और बेटे की तरफ से माफी मांगता है। यहाँ उसके वाइफ ये सारी बात समझ जाती है, तो वो सिंह सिंह और शाओ भाई को सॉरी कह दिया। इधर मिस्टर गो कहता है, मैं समझ चुका हूँ तुम कैसे मेरी कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डराते हो। यहाँ सिंह सिंह उस वक्त को याद करती है, मिस्टर गो से कहता है तुमसे नफरत करता हूँ, और उसे किस करता है। और अब इधर देखते हैं सिंह सिंह शाओ भाई को घर लेकर जा रही होती है। फिर शाओ भाई उससे सवाल कर रहा होता है, वो अंकल कौन थे? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनका बेटा हूँ? वो बहुत ही कूल और हैंडसम भी थे, क्या वो मेरे डैड है? सिंह सिंह कहती है, सवाल करना बंद करो और घर चलो। शाओ भाई कहता है, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और तभी शाओ भाई की नजर कार पे जा रहता है। मॉम ये तो उसी हैंडसम अंकल की कार है ना? सिंह सिंह कहती है, मैंने आपका फेवरेट फूड बनाया है, आप अंदर जाकर खाना खा लो। शाओ भाई अंदर चला जाता है। तभी यहाँ गु का एक आदमी आता है, सिंह सिंह को कहता है मिस्टर गु को पता चल चुका है शाओ भाई उनका बेटा है और वो अपने बेटे को वापस लेने आए हैं। सिंह सिंह कहती है, मुझे मंजूर है पर मेरी एक शर्त है। इधर असिस्टेंट कहता है, लेडी लिटिल मास्टर को देने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा उनकी एक शर्त है। मिस्टर गु कहता है, उसे जितने पैसे चाहिए उसे दे दो। असिस्टेंट कहता है, उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्होंने कहा वो लिटिल मास्टर के साथ 2 महीनों तक घर पे रहेंगी और इसके बाद भी वो कभी कभी उनसे मिलते आते रहेंगी। गु तो ये सुनकर हैरान था, उसे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है इन दोनों को घर लेकर आओ। इधर सब लोग शाओ भाई का वेलकम करने के लिए तैयार होते हैं। शाओ भाई कहता है, मॉम ये तो वही अंकल है ना जो मेरे डैड होने का नाटक कर रहे थे। सिंह सिंह कहती है, वो नाटक नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअल में आपके डैड है। शाओ भाई कहता है, तो क्या मैं उन्हें डैड बोलूं? और वो भागते हुए गु के पास जाता है, कहता है क्या मैं आपको डैड बोलूं? गु उसे गोद में उठा लेता है, कहता है हाँ। शाओ भाई ग्रैंडमा को भी हेलो करता है, ग्रैंडमा तो उसे देखकर बहुत ही खुश थी। मदर शाओ भाई को पूरा घर दिखाने को ले जाती है। इधर ग्रैंडमा और मिस्टर गु सिंह सिंह को घूर रहे होते हैं। गु कहता है, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें भी घर में एंट्री दिया, बाद में मुझ पे इल्जाम लगाओगे कि मैंने तुम्हें घर से निकाला। सिंह सिंह कहती है, मैं अपने लिमिट जानती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ 2 महीनों तक अपने बेटे के साथ रहने के लिए आई हूँ। मिस्टर गु कहता है, अच्छा है कि तुम अपने लिमिट जानती हो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। इधर शाओ भाई कहता है, मॉम क्या मैं इन नए कपड़ों में डैड की तरह हैंडसम लग रहा हूँ? सिंह सिंह कहती है, तुम अपने डैड से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तब ग्रैंडमा शाओ भाई को कहती है, चलो हम खाना खाते हैं। शाओ भाई कहता है, मॉम आप भी चलो, और उसे भी साथ ले आता है। गु शाओ भाई के पास बैठता है। शाओ भाई कहता है, डैड आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास मम्मी डैडी दोनों है। गु कहता है, हाँ अब तुम डैड के साथ रहोगे। ग्रैंडमा शाओ भाई को खाना खाने को कहती है। सिंह सिंह को कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर ग्रैंडमा सिंह सिंह को 2 मिलियन का चेक दे दिया, कहती है कि वो हमेशा के गु फैमिली और शाओ भाई से दूर चली जाए। सिंह सिंह कहती है, आपकी फैमिली बहुत ही रिच है, पर मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ शाओ भाई के पास रहने के लिए आई हूँ। ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करूँ? सिंह सिंह कहती है, जैसे जैसे वक्त भी देगा आपको भी एहसास हो जाएगा मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए हूँ। ग्रैंडमा कहती है, ठीक है देखते हैं तुम अपनी बातों पे टिकी रहती हो या नहीं। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिंह सिंह शाओ भाई के लिए सूप बना कर लाई हो, उसे उठाती है, सब खाने की टेबल पे होते हैं। ग्रैंडमा ने शाओ भाई के लिए अलग से खाना बनवाया होता है, यहाँ तो शाओ भाई सैंडविच खा रहा होता है। ग्रैंडमा सिंह सिंह को कहती है, तुम शाओ भाई को इसी तरह का खाना दे दियो, अभी तो मेरा ग्रैंड चाइल्ड कमजोर रह गया। पर शाओ भाई कहता है, ग्रैंडमा मुझे मम्मी के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी है, देखो ना इनमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। ग्रैंडमा कहती है, ठीक है आज से तुम्हारी मम्मी घर में सबके लिए सैंडविच बनाएंगी। पर तभी गु आता है और कहता है, मुझे रोज दिन इसके हाथों का खाना नहीं खाना। सिंह सिंह उसके तरफ देख रही होती है, सोचती है क्या ये मेरी हेल्प कर रहा है ताकि मुझे कुक ना करना पड़े। पर फिर कहती है, नहीं ये तो मुझसे नफरत करता है। और अब गु
शाह भाई को सूप पीने को कहता है। शाह भाई कहता है नहीं मुझे ये नहीं पसंद। सिंह सिंह कहती है एक बार पीकर तो देखो, तुम्हें अपने डैड की बात माननी चाहिए। और रघु शाह भाई को सूप पिलाता है। शाह भाई कहता है डैड ये तो वाकई में अच्छा है। और अब देखते हैं स्कूल जाते वक्त शाह भाई ने अपने मम्मी डैडी का हाथ पकड़ा होता है। आज वो बहुत ही खुश लग रहा होता है। शाह भाई इन्हें बाय करके चला जाता है। अब ये दोनों अकेले रह जाते हैं, बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इधर देखते हैं ऑफिस में सिंह सिंह की कलीग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। सिंह सिंह का कई लड़कों के साथ अफेयर है, यहाँ तक कि कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने स्टडी पूरी नहीं कर पाई। इस वजह से उसे जॉब मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सिंह सिंह उन लोगों से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो शाह भाई को बता दी वो एक न्यू कंपनी में इंटरव्यू देने वाली है, उसकी सैलरी भी अच्छी होगी। यहाँ गुण की बातें सुन लेता है। यहाँ उसे पता चलता है सिंह सिंह उसे की कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है, उसे पता भी नहीं। और तभी वो अंदर आता है। शाह भाई कहता है डैड देखो मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। गर्ल्स की तारीफ करता है। और फिर शाह भाई कहता है डैड आज मैं आपके और मम्मी दोनों के साथ नहाना चाहता हूँ। सिंह सिंह कहते हैं नहीं डैड बहुत बिजी हैं, मैं तुम्हारे साथ नहा लूंगी। और शाह भाई ने तो जिद पकड़ी होती है। मिस्टर गो कहता है चलो हम नहाते हैं। ये सुनकर तो सिंह सिंह शॉक थी। शाह भाई कहता है मेरे पास बड़ी सी वाटर गन है, सबको बहुत मजा आएगा। और अब देखते हैं सिंह सिंह शाह भाई को नहला रही होती है। शाह भाई उस पर वाटर गन चलाकर उसे भिगा रहा होता है। सिंह सिंह कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसे तो तुम मुझे पूरा भिगा दोगे। शाह भाई तो बहुत ही खुश होता है, कहता है अब डैड की बारी। वो कहता है बिल्कुल नहीं। शाह भाई उस पर वाटर गन चला देता है। और तभी सिंह सिंह का पैर फिसल जाता है, वो गिरने वाली होती है। वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शाह भाई डैडी आपने मॉम को बचा लिया, फिर आप दोनों ये क्या कर रहे हो? तो अब ये दोनों दूर हट जाते हैं। जिंग जिंग शाह भाई को डांटती है, कहती है शरारत बंद करो, चलो बाहर निकलो। गो जिंग जिंग के बहुत ही क्लोज आता है। जिंग जिंग ये तुम क्या कर रहे हो? गो कहता है इतने साल हो गए क्या भी तुम मुझसे नफरत करती हो? जिंग जिंग नहीं करती हूँ, और मैं ये भी नहीं भूलूंगी मैं यहाँ सिर्फ 2 महीने के लिए हूँ। जैसे ही तुम शाह भाई का अच्छे से ख्याल रखना सीख जाओगे मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और सिंह सिंह के इस बात से तो मिस्टर गो को बहुत ही बुरा लगता है। इधर नेक्स्ट डे सिंह सिंह ऑफिस आती है। यहाँ सेक्रेटरी कहती है तुमने तो अपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया, बस कंपनी में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगी। सिंह सिंह कहती है अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। सेक्रेटरी उसे एक प्रोजेक्ट थमा दे दिया, कहती है इसे एक दिन में कंप्लीट कर देना। दूसरा एम्प्लॉय कहता है प्रोजेक्ट तो बहुत हार्ड है, मिस्टर गो बहुत गुस्से वाले हैं, अगर प्रोजेक्ट में कोई गलती हुई वो तो सीधा सिंह सिंह को निकाल देंगे। इधर सिंह सिंह अपने डिजाइन से सेक्रेटरी को दिखा दिए, वो बिना देखे ही कहती है बहुत बेकार है, दोबारा कोशिश करो। तभी गुब उसके डिजाइन को देख लेता है। वो सेक्रेटरी पे भड़कता है कि तुम इस तरह एम्प्लॉयज को परेशान करती हो। यहाँ सिंह सिंह को कहता है ये बहुत ही अच्छा है। असिस्टेंट सोच रहा होता है मिस्टर गु किसी लड़की की तारीफ कर रहा है। गु कहता है क्योंकि ये मेरे बेटे की मम्मी है। गो सिंह सिंह के क्लोज आकर कहता है अब हमें घर चलना चाहिए। वे घर आते हैं। शाह भाई कहता है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। वे सिंह सिंह की नजर रणमा के पास बैठी लड़की पे जाती, इसका नाम यन होता है। ये गो के चाइल्डहुड फ्रेंड रह चुकी है। रणमा इसकी और गो की शादी करवाना चाहती है। गो को यन के पास आकर बैठने को कहती है। गो कहता है मेरी लाइफ में शाह भाई है और मैं जानता हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत रात हो चुकी होती है। ग्रैंडमा गु को कहती है वो यन को घर छोड़ रहा है, तो गु भी इसके लिए मान जाता है। यन गु से बात करने की कोशिश कर रही होती है और उस पे गु कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ जिंग जिंग को कहता है शाह भाई। जिंग जिंग कहती है वो सो गया है। गु कहता है तो तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो और उसके करीब जाता है। जिंग जिंग कहती है नहीं इंतजार कर रही हो और उसके करीब जाता है। जिंग जिंग कहती है नहीं मैं तो यहाँ पानी पीने आई थी। तो गो अपने रूम में चला जाता है। जिंग जिंग ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? वो सावा को सुला रही थी। वे मेट बता दी है गो उसे अपने रूम में बुला रहा है। आगो सिंह सिंह को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, इस पे साइन। आगो सिंह सिंह को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, इस पे साइन कर दो। उसमें लिखा है कि तुम सावा की कस्टडी मुझे दे रही हो, कभी भी मेरे बेटे को मुझसे दूर लेकर नहीं जाओगी। सिंह सिंह कहती है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। वो कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट पे भरोसा करता हूँ। तो सिंह सिंह साइन कर देती है। साथ ही को कहता है शाह भाई के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जब तक इस घर में हो किसी भी आदमी को डेट नहीं करोगी। सिंह सिंह ठीक है, वो चली जाती है। गु ये स्टूपिड है क्या, सिर्फ शाह भाई के बारे में सोचती है, इसे मेरी फिक्र नहीं, मेरी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा?
जिंग जिंग शावा को कहती है तुम्हें डैड पसंद है। शावा हाँ मुझे आप दोनों पसंद हो। जिंग कहती है अब तुम डैड के साथ ही रहोगे। ये दोनों सोए होते हैं तभी गुरु रूम में आता है। जिंग जिंग उसका हाथ पकड़ लेती है कहती है मत जाओ। वो नींद में किसी आदमी का नाम ले रही होती है इससे तो गु जेलस हो रहा था। गु इसने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तोड़ भी दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब खाने की टेबल पे होते हैं। शावा चिंग जिंग को पाव खाने को देता है। शावा को जैम लगा कर देता है। शावा कहता है डैड आप मम्मी को भी दो ना। मम्मी कहती है डैड बहुत बिजी है। गो से भी जैम लगा कर ब्रेड देता है। कहता है जल्दी करो हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। वे तीनों कार के पास होते हैं। शावा पीछे बैठ जाता है और चिंग जिंग को गो के साथ आगे बैठना पड़ता है। यहाँ जिंग जिंग की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जिंग जिंग कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। ऑफिस में जिंग जिंग का कलीग मैंग से बात कर रहा होता है। इधर ग्रैंडमा यन को कहती चाहते हो तुम और गु शादी कर लो। जिंग जिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इधर यन गु से मिलने ऑफिस आई हो। लास्ट नाइट जब वो उसे छोड़ने गया था उनकी फोटोज लीक हो गई थी। यहाँ तो गु से मिलने भी नहीं आता अपने सेक्रेटरी को उसने भेजा होता है। यहाँ यन को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर गु सिंह सिंह को ऑफिस में ढूंढ रहा होता है। सिंह सिंह बाहर खड़ी होती है। सिंह उसे लिफ्ट ऑफर करता है और सिंह सिंह मना कर देती है। इधर गु आता है तो सिंह सिंह उसके कार के पास इंतजार कर रही थी। कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। सिंह सिंह मेरे पास फोन नहीं था। तब गु कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए। सिंह सिंह कहती है मैं नहीं ले सकती। तो गु कहता है याद है 5 सालों पहले तुमने पैसों के लिए सेड्यूस किया था। सिंह सिंह कहती है तुम बहुत ज्यादा कह रहे हो मैं भी उस केस की विक्टिम हूँ। मेरी स्टेप मदर ने मुझे तुम्हारे साथ रूम में बंद कर दिया था। हम दोनों ड्रंक थे तो तुम मुझे हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए। गु कहता है ठीक है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। और यहाँ उसे फोर्सली किस करने लगता है। जिंग जिंग रोने लगती है तो उसे छोड़ देता है। और अब ये दोनों घर आते हैं। शाओबाई उसके बजाय जिंग जिंग के पास आता है। गु कहता है मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा सड़ा हुआ फेस देखकर कौन सा बच्चा तुम्हारे पास जाएगा। गु कहता है मॉम इधर शावा कहता है मॉम आप बहुत थक गई होंगी ना। उसे मसाज देने लगता है। गु कहता है ये सिर्फ अपनी मम्मी से प्यार करता है। गु जिंग जिंग को कहता है तुम जाकर फ्रेश हो जाओ शावा के पास रखता हूँ। और वो अपने कपड़े चेंज करने जाता है। शावा कहता है मॉम डैड बहुत थक गए हैं को उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो जबरदस्ती जिंग को ऊपर भेज देता है। जिंग जिंग कहती है तुम्हें आराम करना चाहिए। ऐसा शावा कहता है रात को जल्दी सो जाना चाहिए। गु कहता है शावा को मेरी फिक्र है क्या तुम्हें नहीं है। जिंग जिंग कहती है ऑफ कोर्स मुझे भी है उसके डैड जो को उसके क्लोज आने लगता है। जिंग जिंग कहती है तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। गु कहता है कॉन्ट्रैक्ट बाहर में गया और उसे किस करता है। जिंग जिंग तो शॉक थी। जिंग जिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी मॉम की आवाज आती है। जिंग जिंग छुप जाती है। मॉम गु को सोने को कहकर चली जाती है। गु कहता है बाहर आ जाओ। जिंग जिंग कहती है आज जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए। गु कहता है लड़कियां मेरे पीछे पागल रहती हैं तो ये प्रटेंड करना बंद करो। जिंग जिंग कहती है 5 सालों पहले जो हुआ वो गलती थी पर तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। और वो वहाँ से चली जाती है। इधर शाओबाई कहता है मॉम क्या आप डैड को पसंद नहीं करती। अगर ऐसा है तो मैं भी उन्हें पसंद नहीं करूंगा। जिंग जिंग किस वाले मोमेंट को याद करती कहती है ऐसा नहीं है मैं और आप दोनों ही डैड को पसंद करते हैं। इधर नेक्स्ट डे ऑफिस में ये दोनों बात कर रहे होते हैं। अभी सामने लिफ्ट से गु बाहर आता है। उसे देख कर तो जिंग जिंग छुप जाती है। हाँ गु को तो गुस्सा आ रहा था ये मुझे अवॉइड कर रही है। इधर देखते हैं जिंग जिंग शावर ले रही होती है। वे शावर बाथरूम आता है। उसे जोर से शुसु आई होती है। जिंग जिंग वॉशरूम से बाहर चली आती है। हाँ रूम में गु पहले से ही बैठा होता है। वो तो जिंग जिंग को ऐसे देखकर पूरी तरह से शॉक था। जिंग जिंग गु को रूम से बाहर जाने को कहती है। फिर गु कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे भी तुम्हारी पूरी बॉडी मैं पहले ही देख चुका हूँ। जिंग जिंग को तो गुस्सा आता है। कहती है ठीक है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। और अब वो अपने बाल सुखा रही होती है तभी गु उसके क्लोज आता है। यहाँ उसकी हेल्प करने लगता है। जिंग जिंग तो बहुत ही नर्वस होती है। तभी यहाँ पर शावा आ जाता है। वो कहता है मॉम डैड मुझे आप दोनों के साथ सोना है स्टोरी भी सुननी है। पर जिंग जिंग कहती है नहीं डैड को अकेले सोना पसंद है मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी। पर शावा बहुत ही जिद कर रहा होता है। गु कहता है चलो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। यहाँ तो जिंग जिंग हैरान थी। और अब देखते हैं ये तीनों साथ में सोए होते हैं। जिंग जिंग को तो नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार गु की तरफ देख रही होती है
और तभी गु उठ जाता है। वो शाहवाग को साइड करता है, वो जिंगजिंग के पास लेट जाता है। जिंगजिंग उठने लगती है तो यहाँ वो उसे गेस करता है। जिंगजिंग कहती है, तुम क्या कर रहे हो? गु कहता है, अगर तुम ऐसे शोर करती रही तो शाहवाग उठ जाएगा और उसे गुड नाइट कहकर सो जाता है। बेचारे जिंगजिंग तो पूरी तरह से शॉक थी। इधर मॉम सुबह गु को जिंगजिंग के रूम से बाहर आते हुए देख लेती है। गु कहता है, मॉम मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है, मैं तो बस शाहवाग को स्टोरी सुनाने गया था और मेरी आंखें लग गई थी। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं ये दोनों शाहवाग के साथ बाहर पिकनिक पे आए होते हैं। गु जिंगजिंग को गेस करता है और कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा हूँ, और उसे दोबारा गेस करता है। यहाँ शाहवाग अपने मॉम डैड की पिक्चर्स ले रहा होता है। इधर ग्रैंडमा को भी ट्रिप वाली बात पता चल गई होती है। इधर गुने जिंगजिंग को गोद में उठाया होता है। ये देखकर तो ग्रैंडमा हैरान थी। गु को वार्न करती है कि वो जिंगजिंग से दूर रहे, पर यहाँ गु कहता है, मैं इतना बड़ा तो हो चुका हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजन ले सकूं। और जिंगजिंग को अपने रूम में लेकर चला जाता है। ग्रैंडमा को तो बहुत ही गुस्सा आता है। इधर गु जिंगजिंग को हक करके सो जाता है। जिंगजिंग की आंखें खुल जाती है, कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? शाहवाग कहाँ है? तुम मुझे अपने रूम में लेकर क्यों आए हो? गु कहता है, अब वो बड़ा हो चुका है, वो अपनी मम्मी के साथ नहीं सोना चाहता। वैसे तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? नहीं तो मैं ऐसा तो नहीं लगता सेम बेड पे तुम मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाओगी। जिंगजिंग कहती है, बकवास बंद करो, और वहाँ उसके पास ही लेट जाती है। गु तो बस स्माइल कर रहा होता है। सुबह जिंगजिंग की आंखें खुलती है, गु वहाँ पे नहीं होता। तभी उसे गु का कॉल आता है। वो कहता है, आज तुम्हारी ऑफिस में छुट्टी है तो घर पे ही रेस्ट करो। इधर मदर ग्रैंडमा को कह रही है कि गु शायद जिंगजिंग को पसंद करने लगा है, तो उन्हें भी उन दोनों के रिश्ते को अपना लेना चाहिए। इधर गु ने जिंगजिंग को हॉस्पिटल कॉल करके बुलाया होता है। जिंगजिंग कहती है, तुम ठीक तो हो? यहाँ गु से हग कर लेता है, कहता है, कुछ देर ऐसे ही मेरे पास रहो। दरअसल आज गु के एक फ्रेंड का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो उसी के लिए परेशान था। इधर गु जिंगजिंग को कहता है, शाहवाग के फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए जिंगजिंग को उसके रूम में ही रहना होगा। पर जिंगजिंग कहती है, मैं ऐसा क्यों करूं? गु कहता है, क्योंकि शाहवाग कह रहा था कि उसके दोस्तों के पेरेंट्स एक साथ रहते हैं पर हम नहीं रहते। तो जिंगजिंग उसके बात मान जाती है। नहीं रात को देखते हैं, गु शाहवाग को कहता है, अगर तुम्हें छोटे भाई बहन चाहिए तो तुम्हें मम्मी के साथ नहीं सोना होगा। यहाँ तो शाहवाग बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है, ठीक है, मैं मम्मी के साथ नहीं सोऊंगा, मुझे छोटे भाई बहन मिलेंगे। इधर जिंगजिंग अपने कलीग्स के साथ पार्टी में आई होती है। यहाँ उसका एक कलीग से प्रपोज कर रहा होता है। जिंगजिंग उसे मना करके वहाँ से निकल जाती है। वो बहुत ही ड्रंक होती है। तभी यहाँ गु आता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है और यहाँ उसे कार में बिठाता है। वो जिंगजिंग को घर लेकर आता है। शावर लेकर बाहर निकलता है। दिखता है जिंगजिंग अभी भी सोई होती है। और अब सुबह जिंगजिंग की आंखें खुलती है। वो ऑफिस आने के लिए तैयार हो रहा होता है। जिंगजिंग टाई बांधने में उसकी हेल्प करने लगती है। यहाँ गु जिंगजिंग को वार्न करता है आगे से वो ड्रंक करके वो किसी भी आदमी के साथ ड्रंक ना करे, पढ़ना अच्छा नहीं होगा। यहाँ जिंगजिंग का पैर फिसल जाता है, वो उसके ऊपर गिरने वाली होती है। तो गु कहता है, तुम सुबह सुबह मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। इधर ग्रैंडमा इन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं होती। वो जिंगजिंग को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही होती है, पर यहाँ गु कहता है वो जिंगजिंग से शादी करने वाला है और अब जिंगजिंग और शाहवाग ही उसकी फैमिली है। अब ना जाकर ग्रैंडमा को भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसी के साथ ये प्यार सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू ड्रामे के साथ जिसकी स्टोरी इससे भी ज्यादा अनोखी हो। आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।